अभी क्या है कि एक मरून साड़ी का ये ब्लाउज काटने जा रहे हैं। ये पूरा ये प्रिंस कट ब्लाउज है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी क्या है कि एक वो ब्लाउज कटिंग करने जा रहे हैं, वो प्रिंस कट ब्लाउज। उसका प्रॉपर अभी दिखाएंगे आप लोगों को कैसे कैसे कटता है, कहाँ से क्या होता है। यही साइज है 14.5, 36, 31, बाजू की लंबाई 22, अगर फ्रंट ओपन है इसका 7, पछाड़ी 4 होकर रखना है। पहले ये लंबाई का मार्क कर ले रहे हैं इसको। लंबाई 14.5 इंच है तो इसको 15.5 कर रहे हैं। ये प्रिंस कट है, ये ब्लाउज है ये, इसीलिए नहीं तो 1.5 इंच प्लस करते हैं इसका। चेस्ट पॉइंट 10 इंच पे है इसका। यहाँ से ब्रॉड पहले क्या यहाँ ब्रॉड का मार्क 3.5 इंच पे लगा ले रहे हैं यहाँ। उसके बाद में सेंटर डॉट लगा रहे हैं 4.25इंच। अभी क्या है कि इसका चेस्ट 36 इंच है, 36 इंच है तो इसको 9 × 36, इसका 1/2 इंच बढ़ा देंगे, 9.5 इंच पे ये लगा रहे हैं। उसके बाद में इसका कमर 31 इंच है, 31 इंच है तो 31 इंच ये हो गया। उसके बाद में 1/2 इंच ये डॉट का मार्जिन हो गया। ये कुम इसका पछाड़ी ओपन है तो इसका 6 इंच 12 इंच कुम काटेंगे ये। ये पूरा मार्क कर लिए ये। आज भर थोड़ा दिक्कत है, कल से दूसरा सेटअप लाएंगे, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। लाइट भी थोड़ा बढ़ा देंगे। क्या थोड़ा आयरन इसको कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ से सीधा एक लाइनिंग खींच ले रहे हैं ये, ताकि फ्रंट रखने में थोड़ा इजी रहे। इसी का बराबर रखेंगे तो अच्छा से बैठ जाता है पीस। यहाँ से पूरा इसको ये मार्क कर देंगे पहले अच्छा से, उसके बाद में ये काटेंगे। इधर से थोड़ा कम निकलता है, इस साइड से थोड़ा ज़्यादा निकलता है।
ये हो गया आपका, यहाँ से काट देंगे इसको भी थोड़ा इधर से हल्का, यहाँ से काट लेंगे ये। उसके बाद पूरा ये प्रॉपर ये काट के निकाल दिए ये। यहाँ से पूरा ये माल निकाल देंगे ताकि थोड़ा डॉट अच्छा से निकल जाए। अब बैक का मार्क कर लो थोड़ा अच्छा से प्रॉपर। ये हो गया 36 हो गया, ये आपका 31 इंच है कमर, 7 इंच ये मार्जिन हो गया ये डॉट का। उसके बाद में यहाँ से सीधा एक स्केल लगा देंगे ये, इसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा हो रहा था ये काट के फेंक देंगे। अब गला काटेंगे इसका, डॉट का मार्क लगा दें। ये 4.5 इंच के बैक का डॉट का मार्क हो गया ये ब्रॉड आपका 3.5 इंच हो गया ये नीचे का ये फोल्ड मार्जिन हो गया ये लंबाई का। इसका पीछे का गला है राउंड वी गला है, इसका 4 हुक रखना है तो इतना कर दे रहे हैं इसमें, ऐसे राउंड वी हो गया है। आज भर थोड़ा एडजस्ट कर लिए, पूरा ये कैमरा हिल रहा है, ये शूट करने में थोड़ा दिक्कत भी होता है इससे। कल से दूसरा सेटअप लाएंगे तब इजी से करेंगे। ये राउंड भी गला हो गया, ये बैक कट गया पूरा प्रॉपर ये हो गया। अब आइए फ्रंट का ये पूरा मिला दे थोड़ा। ये पहले आर्मोल निकाल ले रहे हैं, इसका गला 5 गला है, 7.5 इंची ओपन है। पूरा ये ब्लाउज कट गया है, अब इसका यहाँ से बाजू काट लेंगे। ये 4.5 इंच ये डाउन किए यहाँ से, ये मार्क कर दिए। उसके बाद नीचे लंबाई का इसका आर्मोल है 17.5 इंच है, मोरी 7 इंच है ये इसका। पूरा ये हो गया ना इसका आर्म, पाखुड़ा थोड़ा ज़्यादा 13 इंच ना, ठीक है।
ये पूरा पीस ये कट गया है, यहाँ से बाजू कट गए हैं। यहाँ से फ्रंट काट लेंगे ये। एक चाप के मार्जिन लेके सील देगा कारीगर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें अब यहाँ से बैग काट देंगे। हेलो गाइस, ये पूरा पीस कटिंग कर दिए हैं। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो थोड़ा लाइक और कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमको भी बनाने में वीडियो मज़ा आए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, हम पूरा आप बता देंगे वहाँ से। लेकिन ये पीस काटे हो पूरा प्रॉपर 36 इंची साइज का, पूरा प्रॉपर जितना चाहिए उतना हम काटे हैं। इसमें भी कोई आप लोग को दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूरा आप बता देंगे। पूरा नेक्स्ट भी एक वीडियो बना देंगे, जो आता है कस्टमर को वो तो हम काटते हैं। रूम पे तो सब हम दिखाई देते हैं, दुकान पे तो कर ही नहीं पाते हैं। दुकान पे वहाँ पे क्या है कि थोड़ा बोलने में भी और लगता है, और जॉब करते तो जॉब में तो थोड़ा दिक्कतें होता है ना, वो ऑनर रहता है तो थोड़ा प्रॉब्लम भी होगा। चले, गुड नाइट।